Hello student, hope you are doing well. I am your teacher for this lecture and our topic is Introduction to Trigonometry, NCERT class 10th ka unit 8 hai. अब यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले इसके लिए छोटी सी एक चीज देख लीजिए आप. देखिए आपको ये पता होना चाहिए P B P अपॉन एच एच बी, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के लिए. ज्यादातर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक. ओके, तो जब हम यहां से ऊपर से पढ़ते हैं साइन कॉट टेन, तो ये ऊपर से नीचे पढ़ेंगे और जब हम नीचे से ये काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा. जैसे अगर हमको साइन पढ़ना है तो साइन पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस पढ़ेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन पढ़ेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब हम कोट पढ़ेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, यहां आ जाएगा सेक, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोसेक क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है इसी तरह से, ए साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन. तो सबसे पहले आप देखेंगे एक ट्राइंगल मान लीजिए आप ए बी सी. ठीक है, एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और बी पे क्या है 90 डिग्री है. अब आप देखें यहाँ पे आपको दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4, क्या लिखते हैं हम सॉल्यूशन में, तो ये साइन ए है, क्या लिख देते हैं सॉल्यूशन, साइन ए इक्वल टू क्या है 3/4. अब देखिए साइन को अगर हम लिखेंगे तो साइन हमने क्या लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहां पे अगर आपको क्या मिल रहा है फिर परपेंडिकुलर अगर कंपेयर करते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे को 3 मिल रहा है, हाइपोटेनियस हमें 4 मिल रहा है. ओके, तो हमारे को यहां पे देखिए एंगल ये वाला है. अब आप देखिए एक चीज कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, सेकेंड बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है. 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस. अगर जैसे साइन ए पूछता है तो परपेंडिकुलर ये है, अगर साइन सी पूछता है तो परपेंडिकुलर ए बी है. ओके, तो अब यहां से हाइपोटेनियस आपको पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको क्या निकालना पड़ेगा अभी बेस निकालना पड़ेगा. तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है. अब आप देखें एच की जगह पे आप 4 रख सकते हैं 4 स्क्वायर, पी पी की जगह पे अभी हमने रखा है 3 प्लस बी स्क्वायर. तो यहां से देखिए आप बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 7. बी स्क्वायर कितना आ गया 7, देन बी इक्वल्स टू रूट 7. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है कॉस है, तो यहाँ देखिए आप कॉस ए, कॉस ए या कॉस के लिए क्या होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इक्वल्स टू रूट 7/4. अब इसी तरह से हमारे को टेन ए भी निकालना है, तो टेन ए क्या हो जाएगा टेन ए सॉरी टेन देख लेते हैं, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन ए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, बेस है हमारा रूट 7. ओके, तो हमारा आंसर हो गया, आंसर लिख देते हैं हम, आंसर क्या आ गया, एक तो हमारे को कॉस निकालना था, यहाँ पे देखिए ये कॉस ए है, ठीक है ये ए, हमारे को आंसर लिखना है, हो जाएगा आंसर कॉस ए इक्वल्स टू रूट 7/4, टेन है इक्वल्स टू 3/√70. ओके, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो क्वेश्चन क्या है प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव द फॉलोइंग
कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए एंड प्लस वन प्लस साइन अपॉन कॉस ए इक्वल टू से के, ये आपको प्रूव करना है। ओके तो देखें यहाँ पे आप, तो प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, देखें आंसर या सॉल्यूशन लिख देते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉस है यानी इसको लिख देते हैं कॉस है, इसको हम डायरेक्टली एलएचएस लिख देते हैं, एलएचएस को हमको आरएचएस प्रूव करना है तो हम एलएचएस को आरएचएस इक्वल करेंगे, तो जाएगा कॉस है अपॉन वन प्लस साइन है प्लस वन प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन है कॉस है, तो देखिए वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस साइन है होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके तो ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन है, टू साइन है अपॉन वन प्लस साइन है एंड कॉस। अब आप देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी और होती है जिसे हम कहते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो आप इसको वन लिख सकते हैं, तो वन प्लस वन प्लस टू साइन है अपॉन वन प्लस साइन है एंड कॉस। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं टू प्लस टू साइन है अपॉन वन प्लस साइन है एंड कॉस। ओके अब आप देखिए यहाँ से आप यहाँ पे क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, तो ये जाएगा वन प्लस साइन है और अपॉन वन प्लस साइन है एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस, तो वन प्लस साइन है से वन प्लस साइन है कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास टू अपॉन कॉस ए। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वन अपॉन कॉस ए एक आइडेंटिटी है जिसे हम क्या कहते हैं सेक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू सेक ए, और आपको यही प्रूव करना था आरएचएस में, तो ये आरएचएस आ गया है आपके पास हेंस टू। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन।